ओके, सो फाइनली वी आर इन केपी फिटनेस। सो मैं सोचा पहले एक्सपेंसिव जिम एक्सप्लोर करते हैं देन चीप। सो ये है जिम की एंट्रेंस, एक अच्छी एंट्रेंस है। एंड सो मैंने गलती कर दी, लाइक ये लिफ्ट में नहीं जाना था। सो मैंने लिफ्ट चेंज की, मैंने लिफ्ट में एंटर करते ही मिरर है, मिरर देखते ही फ्लेक्स चालू। सो लेट मी नो इन द कमेंट तुम्हारी भाई की बॉडी कैसी लग रही। बट अभी थोड़ी बोलते हैं बॉडी डाउन चल रही है मेरी, बिकॉज मेरी एक्सरसाइज एंड मेरी डाइट अभी प्रॉपर नहीं है। सो ये मेरी अभी बॉडी कंडीशन, एंड ये है मेन जिम की एंट्रेंस। सो यार लेट्स गो डाउन स्टेयर्स, बिकॉज नीचे है स्ट्रेंथ एंड क्रॉसफिट एरिया पूरा, ये पूरा क्रॉसफिट एंड स्ट्रेंथ वर्कआउट एक्सरसाइज होती है यहाँ पर। एंड ये हमारे ट्रेनर है जो हमको टूर दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। एंड लाइक ये एक चीज़ अच्छी लगी मुझे यहाँ पे, लाइक यहाँ पे लाइटिंग देखो और यहाँ के मिरर। वेट अ सेकंड, अभी नहीं, या ये मिरर आई लाइक दिस, लाइक बहुत अच्छा लग रहा था शूट करने में, फ़ोटो क्लिक कराने में। सो या ओके, नाउ लेट्स गो टू कैफे एरिया। सो हियर वी आर इन द कैफ़े। सो लेफ्ट में कैफ़े, राइट में रिसेप्शन है, एंड ओवर हियर यहाँ पे सीटिंग एरिया है, और यहाँ पे ये पूरे जिम के प्रोटीन प्रोडक्ट्स। एंड अगेन बैग ले रहा था अपने में। सो राइट में ये क्या बोलते हैं वॉशरूम एरिया, एंड सामने एक स्टूडियो जहाँ पे डांस और सब होता है। सो अभी चल रहा था तो मुझे अलाउ नहीं किया अंदर जाने के लिए। सो या सो दिस इज़ द वॉशरूम, इन ये शावर एरिया है, एंड देन राइट में स्टीम एरिया, एंड देन ये लॉकर एंड चेंजिंग रूम। ये भी पता नहीं कैमरा में थोड़ा छोटा क्यों लग रहा है, बट दिस इज़ वेरी ह्यूज। ओके सो लेट्स गो, ये है जिम। सो मैं यहाँ पे जिम में आपको एक पूरा बोलता ना ऐसे डिटेल में नहीं बताने वाला, सो आप देख के खुद ही समझ सकते हो। लाइक ये डेडलिफ्ट का एरिया है, बाद में वहाँ पे मशीन एंड ऑल है, ये बाइसेप कर्ल, शोल्डर प्रेस, एंड ये केबल एरिया, एंड ये पूरी लॉबी है, पूरे अलग अलग सेक्शन में अलग अलग मशीन है। एंड यहाँ पे मैं पोपट हो गई, लाइक आई वॉज ट्राइंग टू शो मशीन चल रही है बट ये बहुत स्लो है। एंड या देन अगेन ये बैक साइड से पूरी लॉबी ऐसी दिखती। ओके ये बारबेल एरिया, एंड वापस मैं वापस ये दिखा चुका हूँ आपको शायद, है ना, शोल्डर प्रेस, बाइसेप कर्ल एंड चेस्ट प्रेस ऑन ऑल। एंड ये मैंने एक टेप ले ली, लाइक टू शो दैट मे मैं बैक वर्कआउट। मैंने क्या मारा, मैंने स्क्रू मारा था, सब बोलते हैं मिक्स मारा था मैंने, कोई प्रॉपरली सिंगल मसल पार्ट नहीं ना डबल मसल पार्ट, मैंने पूरा मैश पूरा मिक्स मारा था अपर बॉडी। ओके सो देन ये है डंबल एरिया। सो लाइक यहाँ पे हर एक बॉय नंबर के डंबल मिल जाएंगे आपको। एंड देन वापस यहाँ पे सेक्शन है लेग की मशीन है सारी, यहाँ पे सब अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बोलते हैं ना, जैसे लेग की पूरी अलग है, चेस्ट की अलग, शोल्डर की अलग, ऐसे। एंड सॉरी ये बहुत स्विंग कर रहा है बिकॉज आई फॉरगॉट, लाइक ये मैंने ध्यान नहीं दिया इन शॉर्ट। ओके सो मैं आपको ये दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। एंड देन ये ट्रेडमिल, ऑलराइट तो हम पहुँच गए फाइनली गोल्ड जिम। बट उससे पहले वो एरिया, मतलब पूरी ये एरिया जो मैंने टाइटल लिखी थी वैसी ही है, मतलब मुझे इतनी स्ट्रगल हुई है यहाँ तक पहुँचने में, आई जस्ट कांट से अबाउट डेट। और वहाँ पे एंट्रेंस अंदर चलते देखते, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि लाइक मैं ख़त्म होने वाला हूँ अभी। ओके सो ये शू रैक पूरा जिसमें खाली सबके थैली एंड ऑल है, मैं एक बैग ले गया हूँ एक अकेला। ओके यहाँ पे ट्रेडमिल एंड यहाँ फेक प्रोडक्ट प्रोटीन के, ट्रेडमिल, वेट मशीन, 4x1 मशीन जिसमें फ्लाई है, शोल्डर प्रेस एंड मतलब इन शॉर्ट दो तीन फ्लाई की है, और एक आई गेस किसकी थी आई फॉरगॉट। एंड देन ये मैनुअल ट्रेडमिल एंड साइकिल,
स्ट्रगल कर रहा हूँ अंदर जाने की। ये ओके, आई एंटर। ओके एंड देन ये एप्स की एक बेंच है, एंड देन साइड में भी एक बेंच, एंड देन अगेन ये 3-in-1 मशीन है जिसमें दो बैक की है एंड एक चेस्ट प्रेस है। लेट पुल डाउन। ओके ओके, वो सेक्शन हमने क्लियर कर दिया, एंड नाउ दिस इज द स्प्लिट मशीन, एंड देन यहाँ पे डिक्लाइन बेंच प्रेस, वो बैक की है, एंड देन आगे फ्लैट बेंच, एंड वहाँ पे डंबल एरिया एंड बेंच एरिया एंड केबल एरिया। सो आगे चलते हैं। वेट ओके, यहाँ पे नीचे ये व्यू है, सो आप देख सकते हो मुझे कितनी स्ट्रगल हुई यहाँ पे आने में। दिस वॉज वेरी हार्ड टू कम ओवर, एंड देन ये केबल एरिया, रॉड रैक एंड डंबल, स्टील के डंबल है, बेंच है। मैं आगे बताता हूँ इनकी क्वालिटी एंड ऑल। ओके ये एक बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप की मशीन, मैनुअल बाइसेप कर्ल, एंड देन दो बेंच, वापस डंबल, साइड में फोर आर्म की मशीन है। एंड मैंने नोटिस किया यहाँ पे दो वेट मशीन है, एक ये रही एंड एक वो रही साइड में। एंड जस्ट लुक एट देयर आउटफिट, लाइक कोई जीन्स में है, कोई शर्ट में है, कोई किस में है। सो इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड देन ये क्वालिटी देखो अब जिम की, लाइक सब पे जंग लगी हुई है, और वो पिन डाल के अपने बोलते हैं ना अटैच करना पड़ता है वेट के लिए। एंड देन ये केबल भी पूरी बोलते हैं ना गई हुई है, जस्ट लुक घस गई है पूरी, कभी ऐसा लगता है टूटने वाली है, बट कोई नहीं, ठीक है चलो। एंड देन आपको आगे मैं प्लेट दिखाता हूँ वेट। या सो ये देखो प्लेट, सब प्लेट घस गई है, अलग अलग तरह तरह की प्लेट है यहाँ पे, किसी में नंबर नहीं लिखे, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। ओके एंड देन ये स्पेस, मैं यहाँ पे चेस्ट प्रेस मारा था, मेरे को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मारने में, बिकॉज स्पेस ही नहीं है यहाँ पे, किसी ने अपना कपड़ा सूखा के रखा। वाह ओके कोई नहीं। एंड देन या जस्ट लुक एट इनकी फॉर्म देखो वर्कआउट करने की। एक और दिखाता हूँ वेट, वो देखो केबल पे बैक जो मार रहा है, अरे मैं दिखा दी, केबल पे बैक मार रहा है वो, एंड देन फिर ये पुशअप कर रहा है, एप्स कर रहा है, नो आइडिया अबाउट दैट, बट जस्ट लुक एट द फॉर्म। यहाँ पे ट्रेनर भी ध्यान नहीं दे रहा। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मेरे बाल और मेरे बियर्ड पे जाना मत, बिकॉज अभी थोड़ा बढ़ा रहा हूँ मैं तो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा। सो ओके लीव दिस, लेट्स टॉक ऑन द टॉपिक। कल आफ्टर कमिंग फ्रॉम दैट जिम मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो वियर्ड एंड थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, सो आई जस्ट टूक शावर एंड मैं थोड़ा एडिट करके सो गया। सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे आई एम रिकॉर्डिंग। सो मैं शॉर्ट में आपको अपना एक्सपीरियंस और मैंने कैसा मेरे को फील हुआ मैं बता दूँ। एक्सपेंसिव जिम का मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑल मतलब समझ सकते हो वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ की सर्विस, एवरीथिंग वॉज गुड, अच्छा लगा, मज़ा आई। बट एक चीज़ है लाइक एवरीवन, लाइक सब वहाँ पे मेंबरशिप नहीं ले सकते, एवरीवन कांट अफोर्ड दैट जिम, इंक्लूडिंग मी, मैं भी नहीं ले सकता। सो या बट देखते आगे, एंड बट जो मैं सेकेंड दूसरे जिम में गया था चीप, लाइक वहाँ पे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लाइक वहाँ पे एंटर करते जब मैंने बात की ओनर से और वहाँ पे जिम देखा ना, मैं तभी समझ गया था सब कुछ। लाइक ये कार्ड पर देख लो, कार्ड पे लिखा है फुल एयर कंडीशनर है, ट्रेनर है, सब कुछ, ना ट्रेनर है, ना एसी है, ना कुछ। एंड फिर वहाँ पे जो रॉड है, डंबल है, बोलते ना बहुत ऑयली ऑयली सा है, बिल्कुल टच करते मतलब होल्ड करते आपको रख देने का मन होगा। एंड वहाँ पे जो सराउंड में इतने सारे लोग हैं, स्वेटिंग हो रही है, स्मेल आ रही है, प्लस वहाँ पे जो सब्जी मार्केट थी उसकी अलग स्मेल आ रही है, सो वो भी है। एंड थर्ड इज़ लाइक वहाँ पे जो मशीन और मशीन सारी जंग खाई हुई है, सब पे जंग लगी हुई है, केबल ऐसा लग रहा है सभी टूटने वाली है थोड़े दिनों में, सो आपका मसल माइंड तो बैठेगा ही नहीं। एंड लाइक वहाँ पे ये जिम में लाइक ऑल आर लाइक वर्कर है, नेबर और सब है, बट फिर भी वो भी इंसान है एंड उनके पास ऑप्शन नहीं थे इसलिए वहाँ पे जाते हैं, बट स्टिल बोलते ना
अपनी हेल्थ पे आ जाती है बात। लाइक वहाँ का ओनर भी ध्यान नहीं दे रहा है, ही वॉज ऑल्सो इन लाइक अब अपने जोन में ये बातें कर रहा है, घूम रहा है। सो ये सीन था वहाँ पे। सो मैंने भी वहाँ पे चेस्ट बाइसेप ट्राइसेप के दो दो सेट लिए हैं, जस्ट मैं भी चला गया वहाँ से एंड मज़ा नहीं आई। बोलते ना मैं एंटर करते आई वाज जस्ट फीलिंग लाइक मैं जाऊँ यहाँ से फटाफट, आई वांट टू जस्ट गो फ्रॉम हियर। सो या मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो या यही था आज का वीडियो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक सो मुझे बता देना अगर और ऐसे चीप वर्सेस एक्सपेंसिव करना या कुछ और आपको देखना हो, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो। आप अपना बता सकते हो लाइक एडवाइस, यू कैन जस्ट गिव मी एडवाइस सजेशन व्हाट एवर यू लाइक टू डू एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड याद से लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना।